हेलो, नाम बता दो अपना। प्रगति। माय नेम इज अंश। अंश, बढ़िया। अब मेरा नाम बता दो एक बार। मेरा नाम वेरी गुड। कब से देखते हो आप लोग बताओ? अभी एक साल से यहाँ शिफ्ट हो गया। बताओ अपने कनवाल से। याद नहीं आ रहा अभी। कैसा लगा मिलके फिर? आपके साथ डीएल में। चलो बढ़िया कनवाल जी। चलो फिर, अच्छी से जानती है, बहुत अच्छे से। हम आपका ऐसे, हमारे तो वहाँ जियो खबर है ना, तो हम आपका बहुत लोग दे रहा है। अच्छे से टीवी में देखते हो क्या? हाँ, वो बहुत पसंद करती है आपको। कहाँ है? देख ओ भाई, लगातार मतलब होता है ना कि आराम आराम से तो गैप के साथ। ये तो अरे अरे, ऐसा लग रहा है कोई पिक्चर चल रही होगी वहाँ पे। ये डीजे वीजे लगा रखा हो किसी ने? अरे भाई, भोपरी अबे सच में तो मतलब ये ना वैसा लग रहा है मुझे, पिक्चर वाला नहीं होता कि किसी पिक्चरों में ऐसे। ये क्या है भाई, ये क्या है? अरे सच में ही बहुत अजीब है भाई, ये बहुत ही अजीब है, ऐसा नहीं होता कभी भी। बहुत अजीब। अरे देख अब बिना आवाज के यार, सोचे कभी? मेरे स्पेशल क्लास पे है भाई। अच्छा तूने देखा ये? पहले देखा था कभी? इतना ज्यादा होते हुए बिना आवाज के भाई, बिना आवाज के चंद्रयान है। चंद्रयान क्या? चंद्रयान का क्या मतलब है ऐसा? तू साइंटिस्ट, तू ये ना विक्की द साइंटिस्ट, डॉक्टर विक्की असवाल है, तू बता, सच से बता। तूने भी देखा था पहले बिना आवाज के ऐसा? तभी तो कह रहा हूँ, जब तू बाहर आया मैंने तब देखा ना, मैंने हो क्या रहा है, फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसा लगातार बिना आवाज के। क्या हो रहा है उधर? बहुत दूर हो रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बैठ जा, चल बैठ जा, तू आराम से बैठ जा अंदर, फिर मैं कुछ बोलूँ, बोलना नहीं चाहता ना क्योंकि सब सुन रहे हैं अभी भाई। अभी तक चल रहा है, रुक ही नहीं रहा। बहुत ही भाई, ये तो सच में ऐसा लग रहा है कि कोई एलियन विलियन है उस साइड। वो एलियन आने वाला है आज। अगर ये किसी और ने भी देखा है ना, किसी और शहर से, दिल्ली से, देहरादून से, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है भाई जो कि हो रही है लगातार। आप देख रहे हो, मैं तो देर से बातें करने में लगा हूँ, वो रुक नहीं रहा, वो चलने में लगी है लाइटनिंग। और कहीं नहीं है, और कहीं भी देखो आप, और कहीं भी नहीं है, और कहीं नहीं हो रहा है ऐसा, सिर्फ हो रहा है वहीं पे। ये देखो, ये देखो, ये देख कर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं खड़ा रहा हूँ, बस देखता रहूँ इस चीज़ को। देखो अगर मैं सही कह रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने सही कहा कि गलत था। अरे भाई नहीं, अरे वो दूर हो रहा हो? नहीं, लाइट ट्रेवल करती है तेज, वो बात सही है, पर इतनी तेज तेज भाई अब तक तो पहुंच जानी चाहिए थी। क्या आवाज? लाइट ट्रेवल भले ही तेज करती है, पर अगर लाइट हमें दिख रही है ना, तो आवाज ही पहुंचेगी पहुंचेगी, भले ही वो 3-4 सेकंड बाद पहुंचे या 10 सेकंड बाद पहुंचे, जितना भी टाइम लगाए पहुंचने में, लेकिन पहुंचेगी जरूर, और बहुत ही कम आवाज में पहुंचेगी। और इतनी लगातार लाइटनिंग हो रही है भाई, अब नहीं हो रही, इतनी बिजली कड़कने में लगी है, ऐसा हो नहीं सकता। अरे कहां गई हो यार? या तो ऐसा तो नहीं है, सुन, ऐसा तो नहीं कि कुछ उस साइड, कुछ पहाड़ के उस साइड कुछ चल रहा हो? नहीं यार, तो वो तो साफ दिख रहा है कि वो ये बिजली, ये बादलों के पीछे चल रहा है सर का सारा खेत। तो बिजली ही है, पर ये बिजली थोड़ी अलग टाइप का है, इस बार साइलेंट बिजली है भाई। मैं तो बहुत वो लग रहा भाई, एलियन वाली चीज सच में। मैं भी हो सकता कि आ रखे हूं, जब हम जा रहे ऊपर, ऊपर नीचे ऊंचे, उनका भी मन करता होगा ना कहीं ना कहीं। यार सच में नहीं है ये, पर 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 इनको पहले बता दो, अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे, यहाँ पे होने वाला स्टार्ट भू कानून, सोच समझ के आना। कभी चक्कर में हो के आगे जमीन ले, ये बात है। ये आज दिन से ही बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है मेरे को, क्योंकि 4 घंटे लाइट नहीं थी आज घर पे। तो शर्मिंदा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो जैसे तैसे गर्मी झेल ली, लेकिन भाई एक दूसरा बंदा आ रखा है दूसरे शहर से, वो 4 घंटा बिना लाइट के था, बिना फैन के, बिना कूलर के। तो इसलिए मैंने सोचा भाई बहुत हुआ, अब ले लो इन्वर्टर। तो अभी इन्वर्टर लेने जा रहा हूँ और देखते हैं कितने का पड़ता है। अब आराम से, क्या हो गया भाई? आटा दिलाओ। आटा चाहिए? क्या करोगे? रोटी बनाएगी। आती है आपको रोटी बनानी? मम्मी बनाएगी। कहाँ है घर? कहाँ है? लकड़ी पड़ाओ। लकड़ी पड़ाओ? अभी बरसात में वहाँ पानी वानी भरा था? हाँ भैया, घर टूट गए वहाँ नदी के। घर टूट गए? नदी के किनारे पे सारे घर बह गए। तुम्हारा घर ठीक है? हमारा घर ठीक है। चलो बढ़िया, हम तो किराए पे रहते हैं। भाई का घर ठीक है? कितने किलो चाहिए? थैला दिला दूँ? ये कितने किलो का है? 5 किलो का। ये 5 किलो का आटा कितने का है अंकल? 150। तेल चावल? अबे क्या तेल चावल? अबे अभी एक चीज ले लो, कल दोबारा आऊंगा, कल दोबारा दे दूंगा।
अरे तो आवाज तो बांट लो यार तुम तो। अभी एक चीज ला दूंगा उसके बाद दूसरी चीज ला दूंगा ठीक है। इंस्टॉलेशन का क्या है इसका प्रोसेस? मतलब नहीं है हमारे घर में वायरिंग नहीं है। हाँ हाँ वो तो कितना कितना आएगा उसमें वो बाद में पता चलेगा। बांट लेना एक दूसरे पे ठीक है। अब बाकी चीजें तेल तुल दूसरे से मांगो भाई। मैंने एक चीज दे दी। ना 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 भाई सब चीज मैं दे दूंगा। ना 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 अंक हाँ वही ढंग से ले जाओ यार बारिश आ रही है भाई। वो किसी और से मांगो ना यार हर चीज मैं दे दूंगा। कब का हो गया भाई? हो गया पैक? हाँ भाई कितना लेट करता है भाई कितना लेट करता है। मैं आया हूँ ना एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो खाऊंगा नई नई चीजें शॉपिंग करूंगा यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है एंजॉय करके जाऊंगी मैं यहाँ से। लेकिन ये क्या है कि ये कहाँ गए? ये देखना जरा फालतू के कपड़े। फालतू के नहीं है वो देख 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 देख। ये तो ऐसी चीज है ना कि अगर तूने देखा होगा तूने देखा नहीं होगा फ्लिंस्टोन जिनको पता होगा ना पता है कार्टून कितना प्यारा था। पीछे देखा ये देखा कभी को? ठीक है पर ये आदिवासी लोग निकलेगा भाई ये पहले ही बोल दो हर चीज में पहले ही लगा दो नजर। अच्छी दुकान से लो ना फिर पहले ही नजर लगा के बैठ जाओ। 400 रुपए में पहन के अगर 4 महीने ही चल गई ठीक है हो गया ठीक है। दूसरी ब्लैक है 400 रुपए की है सेम है तो फिर तभी तो लेके आया 400 ठीक है 700-800 की मिलती है मेरे शहर में। सही है फिर ये ब्लैक है बना हुआ लौंडा इसमें पीछे तो आधा घंटा तो नहीं दो टी शर्ट लेने में लगा आधा घंटा लगाया नहीं कहीं फालतू की बात है। बड़ा पाव खाते टाइम देख रहा था 7 बज गए। तो बड़े करके इन्वर्टर ले लिया अब देखते हैं उसकी फिटिंग कैसे होगी क्योंकि जो फिटिंग वो ये लोग बोल रहे हैं जहाँ से मैंने खरीदा इन्वर्टर ये थोड़ी महंगी लग रही है मुझे तो इसलिए मैं देख रहा हूँ जो मेरे घर के सामने आसपास इलेक्ट्रिक वाले शॉप है वो कितना लेते हैं और चाह तो मैं ये रहा हूँ आज ही हो जाए फिटिंग तो बढ़िया है। ये मिक्की भाई को बहुत बहुत बधाई किस बात की लेने की खुशी में। मिक्की भाई ने आज श्रेयस भाई का बहुत साथ दिया। इन्वर्टर दिखाओ सर भाई को तो गाड़ी के अंदर है अभी हम दोनों की खून पसीने की मेहनत है। कुछ और भी रखा हुआ ये वो है क्या बोलते हैं रातों की नींद गायब नहीं रातों की नींद नहीं और रातों की मेहनत भाई मेहनत जो हमने रात रात भर नींद तो तुम्हारी जिंदगी भर पूरी नहीं होने की मुझे भी पता है इसलिए मैं रात को नहीं आता लेकिन ये जो मेहनत हमने रात रात को की उस दिन अब थोड़ी भी अब एक टारगेट तो हो चुका है अब दूसरा टारगेट है हमारी जी भाई मतलब कुछ होना नहीं होना चाहिए इन्वर्टर का एक तार लेटर में जरूर जाना चाहिए विक्की भाई के लिए। विक्की भाई की जिंदगी वही सफल है भाई पंखा लगना चाहिए पंखा एसी लगवाएंगे 1200 रुपए वाला है मजबूत नहीं आ रहा आजकल वाला एसी क्योंकि दिन के 6 घंटे तो वही बीतना है दिन के 6 घंटे नहीं। और दूसरी मेहनत हमारा इन्वर्टर टारगेट हो चुका है पूरा और दूसरा है अब क्या फ्रिज ला रहे हमारे भाई फ्रिज दिलाएंगे हम इनको सेकंड हैंड जिसका मतलब क्या बोलते हैं डोर पूरा हाथ में आ जाता है थोड़ा 1000 रुपए का काम और करवाना पड़ेगा आपको। और कल की जन्मदिन की पार्टी कैसे रही तुम्हारी? अरे हाँ ये चलो भाई फोटो ले रहे हैं यहाँ पे बढ़िया करके फोटो मिलेगी हैंड टू हैंड। अबे तुम मेरे को बता फ्रेम में देख रहा हूँ आ गया हाँ आ गया आ गई अभी आएगी छप 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 करना है वैसे बिल्कुल नहीं आ रहे कहीं भूत तो नहीं है हल्के हल्के आ रहे हैं हल्के हल्के मुझे तो पता क्या लग रहा है तेरा ज्यादा आएगा मैं आता आऊंगा पक्का मुझे गारंटीड है मुझे लग रहा है कि हम आए नहीं बिल्कुल भी नहीं आएंगे आएंगे समझ तो थोड़ा बिल्कुल नहीं इतना अभी अभी बढ़िया करके यहाँ पे पूरा स्क्रीन लग रखी थी हम खाना खा रहे थे खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेट रह गए थे यहाँ ये जो ऊपर चांद दिख रहा है इसके मजे ले रहे थे ये स्क्रीन एकदम नीचे गिर गई हवा तेज चली नीचे गिर गई। और सच बता रहा हूँ जब ये नीचे गिर रही थी ना तो मेरी नज़र बिल्कुल इस पर थी और जब ये नीचे गिर रही थी तो मुझे मेरे दिल में ऐसा आया
भाई टीवी टूट गया क्योंकि अब दिमाग में तो वही चीज है ना कि भाई टीवी पे देख रहे हैं ये सब चीजें, मतलब दो सेकंड के मुझे ऐसा लगा भाई नुकसान हो गया, 80,000 गया। पर जब वो नीचे गिरे ना टक करके आवाज आई तब ऐसा लगा अरे पड़ता था ये तो। पर सच में भाई संकेत मिला है हमें कि नीचे जाओ अब टाइम हो गया। सही बात है, सो जाओ चुपचाप, सो जाओ चुपचाप से। चले फिर, चलो भाई कल आपका वो भी है, संकेत भी आ गया, कल आपका फास्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो भाई संकेत आ गया भाई, चलो चले फिर। ओके, उठाओ फिर ये सब तामझाम अपना, चलते हैं फिर। बाकी अपना जितना भी तामझाम है वो उसको समेटते हैं, और जो हमने आज इन्वर्टर लिया है वो लग तो नहीं पाया है आज क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, उसको लगाएंगे कल। और जो मैंने इन्वर्टर लिया है वो लिया है मैंने लुमिनस का, मतलब उसकी जो बैटरी है वो भी लुमिनस की है, और जो इन्वर्टर है क्या बोलते हैं उसे, इन्वर्टर ही बोलते हैं ना, मतलब जो आउटर रहता है ना, एक तो इन्वर्टर रहता है एक बैटरी रहती है, तो दोनों चीज़ें लुमिनस की हैं। तो वो मुझे पड़ा है 16,500 का। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने पहले लगाया होगा या हाल फिलहाल में लगाया होगा, तो वो मेरा प्राइस जो 16,500 मैंने दिए हैं क्या वो महंगा है, वो महंगा दिया या ठीक दिया मैंने? और क्या उसके वॉट भी तो बताना पड़ेगा कि 150 एम्पियर की बैटरी है ना, 150 एम्पियर की बैटरी है और इन्वर्टर है 800 mAh वाला। तो जरा थोड़ा जरा मेरे को गाइड कर देना कि मैंने ठीक लिया है 16,500 का या नहीं लिया है। तो वही तो कहीं वही इतने महीनों से मैं सोच रहा था कि अब लूंगा, अब ले ही लिया फाइनली, तो ये ना होगी मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, क्योंकि पैसों की ही बात थी। पहले भी मैंने इसलिए लिया था कि मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन अब भाई इतनी लाइट जा रही थी बहुत दिक्कत हो रही थी, और हमारे रात को अगर लाइट चली जाती थी तो शूट पर दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम रात को ही शूट करते हैं अपना, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूँ। तो फिर बस कल लग जाएगा इन्वर्टर, और बस कुछ और दिन में हमारा फ्रिज भी आ जाएगा। क्या होता है कि मैं और विकी खाना बनाते हैं तो खाना बच जाता है, अब खाना बच जाता है तो फिर हम अगले दिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि रात भर वो खाना रखा रहता है तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए फ्रिज भी ला रहे हैं अब हम। और अगले साल तक एसी भी ले आएंगे अगले साल हाँ वैसे अगले साल ही लाएंगे क्योंकि अब तो ठंडी आने वाली है, ये बात सही बोली इसने। अगर किसी के पास है सेकंड हैंड तो हाँ, जो जो सेकंड हैंड है वो हमें बताते रहो, अगर हाँ कोई हम आ जाएंगे लेने, कोई अपनी फ्रिज भी बेचना चाहता होगा क्योंकि अब दिवाली आने वाले, कई लोग सोचते हैं कि हम नए ले लेंगे, लेकिन अगर कोई बेचना चाहता है पुराने मतलब कोटद्वार के एरिया में या कोई देहरादून में भी, नहीं कोटद्वार में, देहरादून से कौन लेके आएगा भाई? अगर कोटद्वार में कोई फ्रिज बेचना चाहता है तो हमसे संपर्क करें, हम लेके आएंगे। एक कमेंट कर दो, हम कल आपके घर में कल ही कल सीधा आएंगे भाई। तुम ऐसी वो क्यों कर रहे हो, असली बात है रियल बात है, वैसी बात करो ना जो यूट्यूबर करते हैं। हम तो भाई नया फ्रिज लेंगे, डबल डोर 2,00,000 रुपए वाला, हम तो गाड़ी ला देंगे भाई, वैसी बातें करो ना भाई, रियल बातें करो, छोटे है ना तुम, रियल बातें कर ना ना, ऐसे नहीं चलते यूट्यूब वगैरह, करनी पड़ती है चीजें कि गाड़ियां ला रहे हैं, मस्टैंग लेके आ जाऊंगा, हम अलग लोग हैं ना, स्कॉर्पियो लेके। अबे हम क्या करेंगे ना, हम जैसे लोग क्या दिखाते हैं कि गाड़ियां लेते हैं फिर बाद में बेच देते हैं, हम क्या करेंगे, हम ऐसे सिर्फ चीजें लेंगे, हम एसी लेंगे, फ्रिज लेंगे, उसके बाद बेच देंगे, फिर कुछ लेंगे, फिर हम वाले यूट्यूबर बनेंगे। और लेकिन ये बात मजाक की नहीं है कि फ्रिज मतलब लेना, हाँ नहीं ये तो लेना है, सही बात है, प्लीज जरूर बता देना, इससे पहले मैं नए फ्रिज में अपना पैसे लगा दूं, अगर कोई बेच जाता तो बेच सकता है, क्योंकि मैं मतलब इतना यूज भी नहीं है हमारा, वो थोड़ा बहुत रियल बात है, एक दो सामान बच जाता है, उसके लिए चाहिए, बात करनी है फेक बात है, रियल बात नहीं करनी। चलो भाई अभी फिलहाल सोते हैं, अब मिलेंगे आपसे कल। इसलिए अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भद्र विशाल, जय सिद्ध बाबा। ए चंदू तू आज इतनी प्यारी लग रही है। थैंक यू यार, सच्ची में। हाँ तेरी चल फोटो खींचती हूँ। ये पीछे वाला भी तो दिखा, पीछे वाला एक से गिरा। ओ बेटे कसम से हंस लिया लग रहे हो तो बिल्कुल, और दो ही, अब तीन चार तो मार कम से कम, तभी तो मजा आएगा। ऐसे कर देंगे कौन जाने बाबा की तक में कैसे बैठ के रहोगे ऐसे दीवार पर। क्या बात है, बताओ इंस्टा रील के लिए क्या करना पड़ रहा है आजकल? अब जरा साफ तो कर लूं बस, मैं नहीं कर पाऊंगा इस तौलिया से साफ क्योंकि जहाँ था ना ये तौलिया। सेम टू यू भाई, सेम टू यू। ओए नहीं यार ठीक कर रहा हूं बेटा, बदला तो नहीं बदला। ओए यार भैया यार बदला तो नहीं, क्या बात कर रहा हूं, आगे सही बताओ तुमने नहीं बोला भाई मैं खाऊंगा, मेरे दोनों भाई भूखे पेट रहेंगे।